दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल आपके लिए एक खुशखबरी भी लेके आया है, उसके साथ बुरी खबर भी लेकर के आया है। पेटीएम के बारे में अगर हम बात करें तो अच्छी खबर यह है कि पेटीएम ने अपनी केवाईसी को दोबारा स्टार्ट कर दिया है, और आप जो है केवाईसी पेटीएम के वॉलेट की भी करा सकते हैं, पेटीएम बैंक अकाउंट की भी करा सकते हैं, पेटीएम में बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था तो वो लोग खुश होंगे कि चलो उन्हें भी मौका मिला, और जो चांस उन्होंने खो दिया था दोबारा से वो चांस उनको मिल गया। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत उनको नहीं है, क्योंकि जो पहले सारे फीचर्स पेटीएम में हुआ करते थे वो अब नहीं होंगे। पेटीएम में जैसा कि आप किसी भी वॉलेट से पैसा लोड कर लेते थे और उसके बाद अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते थे, क्रेडिट कार्ड वाले बहुत फ़ायदा उठा रहे थे। ख़ासतौर से TMW वॉलेट वाले जो है रोज़ाना 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से कर करके और पेटीएम बैंक में ट्रांसफ़र करके बैंक में डाल रहे थे और अच्छे खासे रिवार्ड लूट रहे थे। लेकिन नया साल आते ही पेटीएम पेमेंट बैंक ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है, और किसी भी वॉलेट से आप मनी ऐड कर ही नहीं सकते। बिल्कुल भी वॉलेट से मनी ऐड करने नहीं दे रहा है किसी भी वॉलेट से, ख़ासतौर से TMW वॉलेट से। अब जब आप पैसे ऐड करने के लिए जाते हैं तो फौरन ही वो आपको एरर शो कर देता है कि किसी भी प्रीपेड कार्ड से पेमेंट करना अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप वॉलेट में भी पेमेंट लोड करना चाहते हैं तो भी मना कर देता है कि नहीं करने दूँगा, और पेटीएम आपको ये मौका अब नहीं देना चाहता है, और पेटीएम अब और लुटना नहीं चाहता है। जब भी हम पेटीएम का पेमेंट बैंक अकाउंट का ये खोलते हैं और इसके बाद में जब वो आपका खुल जाता है, उसके बाद में देखते हैं आपके जब आप मैट करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, ओके करते हैं, उसके बाद में एड मनी सेक्शन आ जाता है। एड मनी सेक्शन में जब आप एड मनी पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं एड मनी पर क्लिक कर रहा हूँ बट होता नहीं, शायद वेट करने को बोल रहा है, इसलिए वेट ही कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक मनी पैक ये पासबुक हमने क्लिक किया और ये पासबुक खुल गई। उसके अंदर जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, सब तो एड मनी टू सेविंग्स अकाउंट में करता हूँ, और उसके बाद में मैं जो सोचता हूँ कि चलो भी 2,000 रुपये इसमें लोड कर लूँ मैं, जैसे कि मेरे पास और भी कार्ड्स हैं तो मैं अपने TMW वॉलेट वाले कार्ड से पैसा लोड करने के लिए मैं अपना डालता हूँ डिटेल्स। उसके बाद मैं प्रोसेसिंग पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा फ़ौरन ही थ्रू कर देगा एरर और पीछे फेंक देगा कि आपको कोई भी मनी ऐड करने की अलाउ नहीं है, और एड मनी बाय प्रीपेड कार्ड इज़ नॉट अलाउड ऑन पेटीएम, प्लीज़ यूज़ UPI ए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टू एड मनी। तो ये एरर दे रहा है पेटीएम, जो कि बहुत ही बुरा एरर है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पेटीएम बैंक में जो बात थी वो नहीं रह गई है। फिर भी आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, प्री प्रोसेस में बता देता हूँ आपको कि जब भी आप अकाउंट खोलने जाएंगे KYC सेंटर पर जाना पड़ेगा आपको। KYC सेंटर्स की लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी, तो अगर आप चाहते हैं KYC सेंटर्स पर जाना तो उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन के देखिए, यहाँ पर है आपका पेटीएम बैंक अकाउंट, ये लिंक था तो मैंने बुकमार्क कर रखा था और उसको मैंने खोल दिया। तो यहाँ पर KYC पॉइंट्स आ जाएंगे। पहले क्या होता था, जो ग्रीवेंस ऑफिसर होता था वो आपको विजिट करता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको अपना सब शेड्यूल सिलेक्ट करना है और आपको सिटी में देखना है कि KYC सेंटर कोई है या नहीं है। तो KYC सेंटर देखने के लिए आगरा का देखने के लिए हमें देखना है कितने सारे सेंटर्स हैं। तो देखिए बहुत सारे सेंटर्स आगरा में हैं, UP के अंदर आगरा में काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स हैं। इसी तरह से आप और भी सिटीज़ को सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। अलीगढ़ के अंदर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है कि KYC पॉइंट्स हैं, और इन सभी में से किसी पर भी आप जाकर ये कॉन्टेक्ट करके जो है खोल सकते हैं। UP में टोटल कितने सिटी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। यूपी में 21 सिटीज़ में ही सिर्फ KYC हो रही है, बाकी सिटीज़ को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर आपके आसपास कुछ शहर पड़ता है तो आप वहाँ जाकर KYC को करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सिटी में हो तभी आप कराएं। तो तेलंगाना की बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, सभी स्टेट्स में तकरीबन ये KYC शुरू हो चुकी है। तो अगर आप KYC कराना चाहते हैं तो KYC करा सकते हैं और पेटीएम पेमेंट बैंक का मसाला लूट सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि आप क्या करेंगे, अब तो कैसे होगा, जो है पेटीएम ने तो बंद कर दिया, के वाई सी नहीं हो रही है, तो अब क्या होगा। तो उसके लिए ब्रांड फ्रेंड परेशान मत होइए, क्योंकि अभी जल्दी ही वोडाफोन अपना एक पेमेंट बैंक लाने वाला है, और जियो तो नहीं रहा है, तो वोडाफोन उसमें अलाउ करेगा अपने पेमेंट बैंक को ग्रो करने के लिए, शुरू में उसको अलाउ करेगा। 1 साल तक इन्होंने भी अलाउ कर रखा था, 2 साल तक करीब, अब जाकर उन्होंने बैन किया है। तो थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट कीजिए, वोडाफोन एम पैसा बैंक को लॉन्च होने दीजिए, और उसके बाद आप इन वर्चुअल कार्ड से भी उसे मनी लोड करके पैसा लूट पाएंगे। जैसे वो बैंक कहाँ है, आप अकाउंट फ़ौरन खोल लीजिएगा, फ़ौरन उसका बेनिफिट उठाना शुरू कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और फ्रेंड्स का दादी को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।